तो नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 7 ग्रेट लॉसेस के बारे में जो संदीप महेश्वरी सर को होते हैं उनके यूट्यूब चैनल को रन करने के कारण। अगर आप लोग संदीप महेश्वरी सर को नहीं जानते हैं तो भाई साहब एलियन है क्या? वो दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल चैनल को रन करते हैं या फिर यूं कहें तो दुनिया का सबसे बड़ा नॉन मोनेटाइज यूट्यूब चैनल को भी रन करते हैं। उन्होंने अपने वीडियोस के थ्रू करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है या फिर यूं कहें तो करोड़ों लोगों के वो इंस्पिरेशन भी है, वो यूथ का इंस्पिरेशन है और भारत के सबसे बड़े स्पिरिचुअल गुरुज में भी एक वो माने जा सकते हैं, क्योंकि उनके स्पिरिचुअल वीडियोस को भी लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। तो सबसे पहले यदि हम लोग लॉस नंबर 1 की बात करें तो संदीप महेश्वरी सर का पहला फाइनेंशियल लॉस ये है कि ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के थ्रू बहुत ही ज्यादा पैसा को अर्न कर सकते थे। बहुत ही ज़्यादा जो फेमस मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो अपने एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा करोड़ों रुपए को चार्ज करते हैं, जो संदीप महेश्वरी सर नहीं करते हैं। तो पहला ये लॉस रहा। लॉस नंबर 2 की बात करें तो यूट्यूब अर्निंग। संदीप महेश्वरी सर के यूट्यूब चैनल पे आप लोग को पता है 28 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है एंड इट्स अ ह्यूज नंबर। जो भाई मिलियन में जिनके सब्सक्राइबर होते हैं वो भी भाई ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा को चार्ज करते हैं या फिर उनके यूट्यूब अर्निंग काफ़ी होती है, लेकिन संदीप महेश्वरी सर का नॉन मोनेटाइज यूट्यूब चैनल है यानी कि ये करोड़ों रुपए पर मंथ को ठुकरा रहे होते हैं समाज सेवा के लिए। तीसरे नंबर के अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो ब्रांड एंडोर्समेंट। जो भी भाई पब्लिक फिगर हो जाता है, जिनकी ब्रांड वैल्यू बन जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा पैसा को चार्ज करते हैं किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए। और संदीप महेश्वरी सर की अगर हम लोग फेस वैल्यू की बात करें, उनके ब्रांड वैल्यू की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा है। एक सर्टिन ब्रांड ने उन्हें ऑफ़र भी करा था, करोड़ों रुपए ऑफ़र करा था, लेकिन उन्होंने ऑफ़र को ठुकरा दिया कि भाई ऐसी चीज़ों को हम क्यों ही प्रमोट करें जिससे लोगों का हार्म होता है। और वो प्रोडक्ट था बोलो जुबा केसरी का प्रोडक्ट था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था इस ऑफर को। फोर्थ लॉस की बात करें तो संदीप महेश्वरी सर को चौथे नंबर का लॉस होता है फोटोग्राफी से रिलेटेड लॉस। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि संदीप महेश्वरी सर की एक कंपनी है imagesbazaar.com, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर भारत के इमेजेस का कहीं पे स्टोर है तो वह imagesbazaar.com। और आप लोग को पता होगा कि वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी पहले थे, वो अपने कंपनी के लिए क्रिएटिव लेवल पे फोटोज़ को खींच सकते थे या फिर अपने समय वो वैल्यूएबल जो उनका समय था अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकते थे अपने बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए। तो यहाँ पे जो है चौथे नंबर पे फोटोग्राफी के भी लेवल पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ता है। पांचवें नंबर की बात करें तो बुक्स का सेल कर सकते थे संदीप महेश्वरी सर। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि संदीप महेश्वरी सर ने पास्ट में एक बुक भी लिखा था जो उनका बुक फेल हो गया था, ठीक है, लेकिन आज के डेट में जिस लेवल जिस समय पे उन्होंने बुक लिखा था उनका पॉपुलैरिटी उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आज के डेट में जिस लेवल पे संदीप महेश्वरी सर का पॉपुलैरिटी है, अगर वो कोई बुक लिखे या फिर लॉन्च करे अपने उसी बुक को प्रमोट करने लगे अपने सेशन में या फिर उन्हें सेल्स करने लगे तो उनकी बुक की सेल्स स्काई रॉकेट हो जाएगी या फिर यू कहे तो इंडिया में नंबर 1 सेलर का बुक का ये जो है बुक टैग हासिल कर सकती है, जिसके थ्रू संदीप महेश्वरी सर काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते थे, लेकिन वो जो है इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो अफिलिएट मार्केटिंग। आप लोगों को पता होगा कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज़ होता है, कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को अफिलिएट करता है, उसके लिंक को शेयर करता है या फिर उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि भाई साहब देखो ना मैंने ये वाली शर्ट पहन के रखी है, मैंने यहाँ से परचेस करी है, आप लोग चाहें तो इस लिंक से खरीद सकते हैं और सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी क्या हो जाएगा मुझे मिल जाएगा। और वो जिस लेवल पे ऑपरेट करते हैं, मैं शर्ट वाले लेवल पे हूँ तो शर्ट वाले लेवल की बात कर रहा हूँ, वो जिस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं वो करोड़ों का जो है पैसा जनरेट कर सकते थे मात्र अफिलिएटिव मार्केटिंग के थ्रू, लेकिन वो ये भी नहीं करते। तो समझ सकते हैं दोस्तों, आई यूज रिस्पेक्ट फॉर दिस मैन। नेक्स्ट नंबर और 7 पॉइंट की फाइनली बात करें तो वो अपने पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकते थे। जिस लेवल पे उनका पर्सनल ब्रांडिंग वो चीज़ों को प्रमोट करके एडवर्टाइज करके बहुत ही ज़्यादा मोटा पैसा को कमा सकते हैं, लेकिन उनका मानना है कि हर चीज़ पैसा ही नहीं होता है, वो जो है समाज की भलाई के लिए ये काम करते हैं, सेल्फलेसली करते हैं इस काम को। सो अगेन एंड अगेन सैल्यूट टू दिस मैन संदीप महेश्वरी सर। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल सीखने के लिए मिला होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इस वीडियो पे आप लोग कम से कम 1000 कमेंट कर दीजिए, जिसमें संदीप महेश्वरी सर को आप टैग कीजिए कि वो कम से कम एक बार इस वीडियो को देख ले। आई होप दोस्तों ये हो जाएगा। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बहुत ही जल्दी मिलते हैं बहुत ही शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।